hello students now we are solving a numerical problem of capacitor question is in a parallel plate capacitor with air between the plates each plate has an area of 5 into 10 to the power minus 3 meter square and the separation between the Plates is two point five mm. First, calculate capacitance of the capacitor. Second, if this capacitor is connected to hundred volt supply, what would be the charge on each plate? How? Third, uh, third point is how would charge on plate be affected if a two point five mm thick mica sheet of K is equal to एट इज़ इंसल्टेड बिटवीन द प्लेट्स वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड यानी वोल्टेज सप्लाई हमने क्या है सेम रखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमें क्या है कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो एरिया प्लेट्स का हमें दे रखा है फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर स्क्वेयर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज़ टू पॉइंट फाइव एम एम टू पॉइंट फाइव एम एम को हम क्या हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर नाव कैपस्टाइन सी एजिकल टू एप सेलेनोट ए अपॉन डी नाव वी आर पुट द वैल्यू ऑफ एप सेनाट तो एट पॉइंट आई एट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व इंटू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री अपॉन टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री फाइव से ये कैंसिल हो जाएगा टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव टाइम्स देन सी एजिकल टू एट्टी एट पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव फाइव का डिवाइड करेंगे तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व फेरेड या फिर हम इसे लिख सकते हैं सेवनटीन पॉइंट सेवन पिको फेरड तो ये हो जाएगा आपका कैपिस्टेंस नाउ सेकेंड पॉइंट हमें क्या निकालना है सेकेंड पॉइंट में चार्ज क्या होगा तो चार्ज क्यू इजिकल टू होता है आपका सी इंटू वी तो सी हो गया आपका सेवनटीन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व वी इज हंड्रेड वोल्ट तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवनटीन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन कूलाम ये आपका चार्ज आ जाएगा थर्ड पॉइंट में हमें निकालना है कि हमने इसके प्लेट्स के बीच में हमने क्या एक शन माइका हमने क्या एक माइका शीट क्या इंसर्ट कर दी है और इसकी जो थिकनेस है वो आपकी टू पॉइंट फाइव एम एम है तो टी एजिकल टू दे रखा है टू पॉइंट फाइव एम एम और डी एजिकल टू भी आपका टू पॉइंट फाइव एम एम है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर और डी एजिकल टू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर और नाउ कैपेसिटेंस सी इजिकल टू एफ सैलेंट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के तो एफ सैलेंट ए अपॉन जो डी और टी की वैल्यू है दोनों आपकी क्या है सेम है तो उस कंडीशन में आपका डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के तो डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा तो एफ सलन ऑट ए अपॉन डी अपॉन के बचेगा ये या फिर हम इसको लिख सकते हैं के इन टू एप ए अपॉन डी तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे चार्ज तो चार्ज क्यू एजिकल टू C इंटू वी या फिर हम इसे लिख सकते हैं K इंटू एफ सेलनोट ए अपन डी इंटू हंड्रेड वर्ट एफ सेलनोट ए अपन डी की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं K की वैल्यू पुट कर दिए एट ये आपका सेवनटीन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व इंटू हंड्रेड तो एट का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन फोर वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस टेन या फिर वन पॉइंट फोर वन सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलाम तो जब हम माइका शीट इंसर्ट करेंगे तो जो चार्ज स्टोर होगा वो आपका कितना हो जाएगा वन पॉइंट फोर वन सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलाम